जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है अष्टाश्रम में। आज बात करने वाले हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बारे में, यानी कि प्लैनेट वीनस के बारे में आज बात करने वाले हैं। वीनस की जब हम बात करते हैं, यानी कि शुक्रदेव की जब हम बात करते हैं, शुक्राचार्य की जब बात करते हैं, तो बात आती है सीधे सीधे आपके जीवन से जुड़ी हुई लग्जरियस को लेके, सीधे सीधे धन से लेके, सीधे सीधे ऐसी चीजें जो आधुनिकता से संबंधित रहती हैं और आधुनिक जीवन में हमें जरूरत भी पड़ती है। वो आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी हो सकता है, वो आपका टेलीविजन हो सकता है, हम बात करें आपका वॉशिंग मशीन हो सकता है, आपका एक महंगा फोन हो सकता है, या आपकी कोई ऐसी लग्जरी चीज जो आप चाहते हैं और नहीं मिल पा रही है, वो भी शुक्र से संबंधित है। वीडियो में अंत तक मैं बात करने वाला हूं। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो अवश्य करें, और हमारी वीडियो में जाके आप देखेंगे तो आपको पुरानी वीडियो में बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको जीवन में आने वाले समय में हमारी वीडियो टाइम से मिलती रहे। शुक्राचार्य की जब बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि लग्जरी का कारक ग्रह माना गया है, और एक बड़ा बदलाव होने वाला है। 22 जनवरी 2023 की हम बात कर रहे हैं। शुक्राचार्य सीधे पहुंच रहे हैं अपने मित्र की राशि में। मित्र की राशि कौन सी? मित्र की राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि की जब बात करेंगे तो शनिदेव का प्रवेश अभी कुछ दिन पहले, यानी कि 5 दिन पहले हुआ है। शनिदेव की खुद की राशि में, शनिदेव की खुद की राशि जो कुंभ है, उसमें शनिदेव का आना हुआ है 30 वर्ष के बाद। आप सोच के देखिए कि आप अपने घर लौटे हैं 30 वर्ष के बाद काम से या जहां भी आप बाहर थे, और वहीं पर आपके 5 दिन बाद आपका परम मित्र आपके घर आ जाए एज ए गेस्ट। सोचिए क्या माहौल रहेगा। यही माहौल होने वाला है। शुक्राचार्य यानी शुक्रदेव कुंभ राशि में 22 जनवरी 2023 को प्रवेश करने वाले हैं, और उनको खुले हाथों से स्वागत करने के लिए शनिदेव पहले से मौजूद हैं। ये योग 5 राशियों को मालामाल करने वाला है। कौन सी वो 5 राशियां हैं वो मैं बताने वाला हूं। यानी कि आने वाले जो लगभग 120 दिन से 125 दिन का समय रहेगा, ये समय बहुत बम्पर लाभ देने वाला है इन राशियों को। इन राशियों में कौन कौन सी राशि शामिल होंगी वो मैं बताने वाला हूं। और जब हम बात करेंगे शनिदेव को शुक्र के साथ मिलन की, तो आप समझ लीजिए इन लोगों के जीवन में धन, व्यापार या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई समस्या चल रही थी, तो अद्भुत लाभ देखने को मिलेंगे। 5 राशियों में सबसे पहली राशि है जो है जिसको लाभ मिलने वाला है, और वो राशि है खुद की शुक्र की अधिपत्य राशि वृषभ राशि। और वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं उनको भी शनिदेव का लाभ मिलने वाला है। शनिदेव पूरा आशीर्वाद इस राशि को देने वाले हैं, और शनिदेव शुक्र की वजह से इस पर पूरा प्रभाव डालने वाले हैं, पॉजिटिव प्रभाव की जब हम बात करेंगे। अगर हम बात करें वृषभ राशि के जातकों को, धन या परिवार से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो वो समाप्त होने वाली है, और आने वाले समय में भी कोई भी समस्या नहीं आएगी, और आने वाला 120 दिन का समय बहुत अच्छा होने वाला है। दूसरी राशि की बात करेंगे, और वो राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि की बात करेंगे तो शुक्र के मित्र की राशि यानी कि बुध की राशि है, और शनि की ढैया बहुत जल्दी खत्म हुई है इन पर, तो भी शुक्र का प्रभाव और शनि का प्रभाव इनको देखने को मिलेगा, वो भी पॉजिटिव। 120 दिन आने वाले मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। और हम बात करें कितने अच्छे होने वाले हैं, तो आपको मान पद प्रतिष्ठा मिलने वाला है। हम बात करें कोई ऐसा रुका हुआ काम जो बहुत समय से प्रयासरत होने वाला है, और धन की दृष्टि से आवक आपके जीवन में बढ़ने वाली है, यानी यहां से आप कह सकते हैं आपको किक मिलने वाला है। अगली बात करने वाले हैं, और वो राशि है तुला राशि। और तुला राशि की जब हम बात कर रहे हैं, अगेन शुक्र का आधिपत्य है, और मित्र से मिलने गए हैं तो अपनी राशि को बम्पर चीजें लेके आएंगे। यानी कि आप ये समझिए कि आपका कोई प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था, या प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हो पा रहा था, या प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे थे, तो समझ लीजिए खरीदने वाले हैं तुला राशि वाले जितने जातक हैं, जितने भी जातक, आप समझ लीजिए कि ये समय आपके लिए बड़ा अनुकूल आया है। और ये 3 महीने का समय, 120 दिन का समय, 4 महीने का समय आपको बहुत लाभ देके जाने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पर विवाह की दृष्टि से, तो तुला राशि वाले जातकों को अब विवाह में देरी नहीं होगी, विलंब नहीं होगा। विवाह में समस्या चल रही थी तो वो भी नहीं होगी। और दूसरी चीज, सामने से आपको कोई ऑफर मिल सकते हैं अपनी नौकरी के लिए, अपने व्यवसाय के लिए। अगली जो राशि है, और उस राशि की बात करेंगे, चौथे नंबर की राशि, और वो राशि है मकर राशि। शनि का आधिपत्य है इस पर, और 2.5 वर्ष शनि आगे बढ़ गए हैं इसमें से, तो अंतिम चरण अब शुरू होने वाला है इस राशि पर। तो आप समझ लीजिए इस पर भी लाभ होने देखेंगे आप, कि इस पर कैसे लाभ आपको देखते हैं। और शुक्र जब कुंभ राशि में पहुंचे हैं तो यहां भाई अपना लाभ देते हुए दिखने लगेंगे। कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित आपका
काम चल रहा था जिसमें आपको सफलता या विजय प्राप्त नहीं हो रही थी तो हो जाएगी, या आपको कहीं से ऐसा लग रहा था कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा था तो वो भी षड्यंत्र यहां पर खत्म होता हुआ आपको दिखेगा। अगर आपके सहयोगी या आपके लोग या उच्चाधिकारी आपको सहायता नहीं कर रहे तो करने लगेंगे और आपको आउट ऑफ टर्म प्रमोशन मिल सकता है, या आपको ऐसा लगता था कि मेरी कहीं नौकरी ना चली जाए तो ये भय भी अब आपका खत्म होते हुए आपको दिखेगा। और आप कह सकते हैं कि परिवार के साथ ये जो 4 महीने का समय है बहुत अच्छा बीतने वाला है, खास तौर पर अपने पैतृक जितने लोग हैं, यानी कि पैतृक घर आप जा सकते हैं अगर नहीं रहते हैं वहां पर, तो बहुत समय से अगर नहीं गए हैं तो, और अगर हम बात करें तो आपके घर आपके माता पिता का आगमन या माता पिता का आशीर्वाद आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल सकता है। और अंतिम 5वीं राशि जिसको लाभ होने वाले हैं वो खुद कुंभ राशि है, जिसपे शनि का आधिपत्य है, 30 वर्ष बाद आए हैं और खुले हाथों से शुक्राचार्य का वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं कि मित्र आइए, और दोनों बैठकर अपनी राशि को लाभ देते हैं बाकी राशियों के साथ साथ। और कुंभ राशि वाले जितने जातक हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, या हम बात करें कोई लव लाइफ अगर आपकी प्रॉब्लम में थी तो उसकी दृष्टि से, और खास तौर पर हम बात करें कोई रुका हुआ धन या पैसा फंस गया था या कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा जो डूब गया था या डूबने वाला था, ऐसा आपको अब नहीं होगा, यानी कि वो पैसा वापस आएगा, वो इन्वेस्टमेंट आपको लाभ देके जाएगा और शुक्र की कृपा आपके ऊपर होगी। और ये जो 5 राशियां मैंने इस वीडियो में बताई हैं, इन राशियों को अपने जीवन में लग्जरी से संबंधित कोई सामान खरीदना होगा, कोई चीजें लेनी होंगी तो लग्जरी बढ़ने वाली है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं, आपको शुक्र देव कृपा बरसाएं आपके ऊपर और इन 5 राशियों को लाभ होते हुए आप देखेंगे। राधे राधे।